नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। शिवराज कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में इसकी प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के इन भवनों को बनाने के लिए निर्माण एजेंसी का चयन अलग से किया जाएगा। प्रदेश के जनजाति बाहुल्य जिलों में चिकित्सा सुविधा के विस्तार के लिए इन मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना की जा रही है। इन कॉलेजों को मिलाकर प्रदेश में 20 जिलों में मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। वहीं 12 साल या उससे कम आयु की बच्चियों के साथ रेप की घटनाओं में फांसी की सजा के प्रावधान संबंधी विधेयक को केंद्र सरकार से वापस लिए जाने का भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा बैठक में राज्य वित्त निगम द्वारा सिडबी के लिए गए ऋण के निपटारे के लिए एकमुश्त समझौता योजना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। बैठक में सीमेंट को प्रशासन अकादमी से अलग करके स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, मध्य प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की परियोजनाओं के लिए 1,818 करोड़ रुपए की योजना का भी को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में सीएम शिवराज ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि वो प्रभार के जिलों में जाएं और कोरोना नियंत्रण संबंधी तैयारियों की समीक्षा करें, जिला आपदा प्रबंधन समितियों के साथ बैठक करें और टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित करें।